मैयाचा अवतार आहे, रुक्मिणी दिसायला अतिशय सुंदर आहे, लावण्यवती आहे, भक्तिवती आहे, बुद्धिमती आहे, रूपमती आहे, ब्राह्मणांच्या मुखातून भगवान श्रीकृष्णांच्या गुणानुवादाचं श्रवण केल्यानंतर श्रीकृष्णावर प्रेम करू लागलेली आहे। बघा, प्रेम करते श्रीकृष्णावर, पण प्रेम करा, प्रेम करा रे मनवा, प्रेम जगत तासा, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है, सबसे बड़ा इस संसार में कोई पुराण है, सबसे बड़ा यदि कोई साधन है तो वो है प्रेम। लेकिन वो प्रेम आप कहाँ लगा रहे हो, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। किससे प्रेम कर रहे हो? संसार के नश्वर प्राणियों से, जीवों से, वस्तुओं से? नहीं नहीं, रुक्मिणी ने प्रेम किया, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम किया। गुणानुवाद सुनती है, प्रेम कर रही है। यहाँ रुक्मिणी उपवर हुई, ऐसा देखकर रुक्मिणी के पिता भीम ने अपने बेटे रुक्मिणी से कहा, बेटा रुक्मिणी, रुक्मिणी उपवर हो चुकी है, उसकी शादी करनी है और मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से ज्यादा योग्य सुंदर वर और कोई दिखाई नहीं पड़ता इस संसार में, इसीलिए मैं रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण से करना चाहता हूँ। जैसे ही रुक्मिणी ये बात सुनी, क्रोध से चटपटा गया रुक्मिणी और कहा, पिताजी, मैं मेरी बहन की शादी उस ग्वाली के साथ नहीं करूँगा।
करूंगा, उस चोर के साथ नहीं करूंगा, उसके कुल का कुछ अता पता नहीं, उसके माँ बाप का अता पता नहीं, उसके साथ मैं मेरी बेटी की बहन की शादी नहीं करूंगा, कौन के साथ करूंगा, मेरा मित्र है शिशुपाल, उसी के साथ मेरे बहन की मैं शादी करूंगा। वर संशोधन के लिए बुक में निकल गया, दो ही दिन में वर पक्का करके आया, पिताजी सगाई होने वाली है रुक्मिणी की, कौन वर है, शिशुपाल, शिशु माने बालक, पाल माने जिसका पालन हो रहा है, जो अभी बाल बुद्धि का है, जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, ऐसे शिशुपाल के साथ रुक्मिणी अपने बहन की शादी करना चाहता है। लेकिन रुक्मिणी ने अपनी भाई की जो पत्नी है, रुक्मिणी की पत्नी को बताया सारी बात, रुक्मिणी की पत्नी को बताई, भाभी जी भैया ने मेरी शादी तो तय कर दी, लेकिन एक बात कहूं भाभी आपसे, भाभी और ननंद में नाता कैसा हो, देखो इतना सुंदर नाता है, भाभी मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। जैसे ही भाभी ने सुना, कहा उनको पता है आप उनसे प्रेम करती हो, उनको पता है, बोले नहीं उनको नहीं पता है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, तो तुम कैसे करने लगी, वो चाहे मुझसे प्रेम करे ना करे, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। प्रेम के तीन प्रकार होते हैं, कोई प्रेम के बदले में प्रेम दे, ये पहला प्रेम है, कोई प्रेम के बदले में ही प्रेम ना दे एक तरफी, ये दूसरा प्रेम है, और तीसरा प्रेम जो श्रेष्ठ और उत्तम प्रेम है, सामने वाला प्रेम करे ना करे, हम जी जान से उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ये तीसरा श्रेष्ठ प्रेम है। रुक्मिणी वही प्रेम श्री कृष्ण से करती है। भाभी ने कहा अरे पगली, प्रेम तो करती हो, उनको पता नहीं है, तो चिट्ठी विट्ठी भेज दी उनको। तो रुक्मिणी ने पहला संसार का लव लेटर लिखा है श्री कृष्ण को। आज भी अगर आप द्वारिका नगरी में जाए, तो भगवान को भोग लगाने से पहले ये विनय पत्रिका है, रुक्मिणी की जो विनय पत्रिका है, रुक्मिणी ने जो भगवान को चिट्ठी लिखी थी, आज भी वहाँ के पंडित भगवान की आरती होने से पहले ये चिट्ठी भगवान को पढ़ाया करते हैं। भगवंताला वाचन दाखवता थी चिट्ठी, आणि भगवंताला ही चिट्ठी वाचू ऐकून रुक्मिणीच्या त्या प्रेमाच्या त्या दिवसातली आठवण येते, भगवंत प्रसन्न होतात, रुक्मिणी भगवंताला चिट्ठी मध्ये लिहिते। आग के गुणों का श्रवण करके मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। किसके हाथ में दी चिट्ठी? ब्राह्मणों के सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, उनके हाथ में चिट्ठी भेजी, कहा जल्दी से जाना, तीन दिन में सगाई पक्की हुई है। सुदामा ब्राह्मण गए हैं और भगवान के अंत महल में जाकर भगवान को बताया, प्रभु एक खत लेकर आया हूँ। भगवान ने कहा पढ़ो। ब्राह्मण ने कहा प्रभु ये आपका पर्सनल लेटर है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? भगवान ने कहा ब्राह्मणों से मेरी कोई बात नहीं छिपी है, ब्राह्मण तो मेरे हृदय में रहते हैं। ब्राह्मण देवता सुना चिट्ठी, जैसे ही सुनी भगवान ने, ब्राह्मण देवता ने कहा कुछ जवाब जवाब भेजेंगे प्रभु? भगवान ने कहा अरे चिट्ठी लिखने के लिए समय नहीं है, चलो जल्दी निकलो, उधर रथ को निकालो। उधर ने कहा प्रभु मेरे आने वाला ये आपका पर्सनल मामला है, आपका निजी मामला है, और एक राजा को अपने निजी काम के लिए राज्य की संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ नहीं आने वाला। भगवान ने कहा मत आओ, मैं जाऊंगा मेरे रुक्मिणी को लेने के लिए। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा था प्रभु गिरिजा पूजन के लिए मैं तुम जा रही हूँ, वहाँ
मैं आऊंगी गिरजा का भोजन करने के लिए। मैंने गिरजा को प्रार्थना की है, वहाँ आप आना और मेरा पानी ग्रहण करना। भगवान ने रथ को निकाला, भगवान के अश्व हवा में दौड़ रहे हैं और भगवान कौंडन्यपुर में पहुंच गए। वहाँ शादी की तैयारी चल रही है। गिरजा माँ की पूजा के लिए रुक्मिणी थाल सजाकर निकली है। माँ गिरिजा को लक्ष्मी मैया प्रार्थना कर रही है। विनय पत्रिका से इस भाव का हम दर्शन करेंगे। लक्ष्मी भारत ब्राह्मण से दर्शन घेतलेला है। गुरुदेव क्या कहा उन्होंने? ब्राह्मण ने कहा, रुक्मिणी कैसे बताऊं तुझे, क्या प्रभु मेरा प्रेम कभी ने स्वीकार नहीं किया, मेरे खत का कोई हाँ ना जवाब दिया कि नहीं, जवाब दिया कि नहीं, कहाँ है खत? ब्राह्मण देवता ने कहा, रुक्मिणी खत नहीं दिया है, खत का जवाब नहीं दिया है। रुक्मिणी मैया का हृदय विदीर्ण होने लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, रुक्मिणी खत नहीं लिखा है, खत लिखने वाला लेकर आया हूँ, खत लिखने वाला आया है। जैसे पैरों में रथों के चक्र बंधे हैं, रुक्मिणी मैया तो दौड़ी दौड़ी जा रही है गिरजा माँ के मंदिर में, जाकर पूजा की सामग्री कहाँ अर्पण करनी है ये भी सुबुद भूल गई, और गिरजा माँ के गले में हार डाला। सोच रही है, कीर्ति तो सुनी है लेकिन दिखने में कैसे होंगे, देखा भी नहीं है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, बिना देखे प्रेम करना, बिना देखे प्रेम कर लिया, नहीं जानना है उसके पास क्या है क्या नहीं है, कैसे रहता है कैसे दिखता है, बस प्रेम कर लिया। और जैसे ही गिरजा के मंदिर में गई, प्रार्थना कर रही है, भैया मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, बाहर तो भैया ने सैनिक खड़े किए हैं, बाहर शिशुपाला ने सैनिक उभे करने होते, राखणदार उभे करने होते, खबरदार वो द्वारकाधीश येऊ शकतो, जर कोणी नीलवर्ण नजर दिसला तर तातडीने शरसंधान करून त्याचा शिरच्छेद करायचा आहे, त्याला आपल्या राज्यात येऊ द्यायचं नाही। रुक्मिणी मातेने ही हात साधाय केले होते, प्रार्थना करते ते आले असतील का, त्यांना मी ओळखायला येईल का, ते मला ओळखतील का, मी त्यांना ओळखेल का, हार घातला होता। प्रार्थना गिरिजा मातेला करता करता हरापली काही फुलं रुक्मिणीच्या हातात येऊन पडले, उजव्या कळून समजला आणि धावत रुक्मिणी माता बाहेर आल्या। बाहेर आल्यानंतर काय दृश्य बघता, सुंदर अश्वांचा रथ सजलेला आहे आणि या रथावर सुंदर पितांबर धारण केलेला आहे, वर नीली बगलबंदी घातलेली आहे, त्यावर सुंदर रेशमी वस्त्र आहे उत्तरीय वस्त्र, आणि भगवान परमात्म्याच्या मस्तकावर सुंदर मोर मुकुट आहे, सुंदर सुंदर केसांच्या छटा भगवंताच्या, आणि जणू कर्ण कुंडलाला पंखा करत आहे। नील वर्ण नील कृष्णांच्या मुखाची आभा प्रभा शोभा जणू आस मंताला प्रकाशित करत होते। रुक्मिणीनं ब्राह्मणांच्या मुखातून ऐकलेली कीर्ती आठवले आणि धावत रथाजवळ गेले। पूजेचं ताट गळून पडलेलं आहे, श्रृंगार काही शृंगार गौरव पडलेला आहे। रुक्मिणीनं आपला हात भगवंताच्या हातामध्ये दिला, भगवंताने रुक्मिणीचा हात आपल्या हातामध्ये घेतला आणि भगवंताने रुक्मिणीच पाणी ग्रहण केलं। पाणी माने हात, हात हातात घेतला, भगवंताने रुक्मिणीच पाणी ग्रहण केलं। कोण म्हणत कृष्णाने रुक्मिणीला पळवलं? अहो कृष्णाने रुक्मिणीला पळवलं नाही, रुक्मिणीच कृष्णाबरोबर पळून गेली। रुक्मिणी रथात बसल्या बरोबर भगवंताने आणि रथ असा उडवला, जणू घोडे चालत नाही आकाश मार्गाने घोडे उडू लागलेले आहेत। तेवढ्यात श्री कृष्णाने ऐकलं, बोलिये द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवंत विचार करता,
हिथकंदन्य पुरामध्ये द्वारकाधीशाचा जय जयकार करणारा कोण आला बघितलं तर बलराम दादा होते. बलराम दादाने सांगितलं कृष्णा अरे काय केलंस रे म्हटले कलंक लावला पळवली म्हटले तू रुक्मिणी देवाने सांगितलं ते बलराम दादा काय करू म्हटले तुम्ही स्वतःच लग्न केलं पण मी लहान माझा काही विचारच करी नव्हती काही स्वतःच झाल्यानंतर लहान भावाचा पण विचार करावा की नाही तुम्ही माझा विचारच करू ना म्हटले मग काय करू म्हटले तुम्ही कुरोडाचा भाग सोडून द्या नाही तर तुम्ही याच्यातून नकत हे तंतीच घ्या की देवाने सुद्धा रुक्मिणीला पळवलं होतं मग आम्ही एखादी पळवली म्हणून काय झालं नाही नाही हे भगवान कृष्ण की लीला आहे ही भगवंताची लीला आहे. भगवंताच्या बरोबर रुक्मिणी गेलेली आहे. भगवंताने 12 गावचा आगमन लिहिला होता. तुम्हाला छोटासा जर काडीचा चटका जरी बसला तरी नाही नाही भगवान कृष्णांच्या चरित्राचं उच्चारण करायचं आहे. आता इकडे भगवान रुक्मिणीला घेऊन निघालेले आहे. मध्ये शिशुपाल आलेला आहे रुक्मी आलेला आहे. भगवंताने दोघांनाही युद्धामध्ये हरवलेले आहे. रुक्मीचा आत्मा भगवंत वध करणार तेव्हात रुक्मिणीने भगवंताचे पाय धरले नाही नाही प्रभू ज्या वहिनीनं मला तुम्हाला चिठ्ठी लिहायला सांगितली होती ज्या वहिनीनं माझं कुंकू मला दिलं त्या वहिनीचं कुंकू मला पुसायचं नाही प्रभू माझ्या भावाला सोडून द्या. भगवंत ऐकलं रुक्मिणीच आणि आता भगवंत निघालेले आहेत. सुंदर माधवपूर नावाच्या गावामध्ये भगवंत आलेले आहेत. या माधवपुरामध्ये भगवान श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणीचा सुंदर विवाहाची तयारी चाललेली आहे. लवकरच आपण विवाहाच्या आणि झाकीकडे जाणार आहोत. कार्यकर्ते रुक्मिणी सनयनी देखो नी
श्री कृष्णा की नगर दाली कर, श्री कृष्णा की नगर दाली कर, अशि रुक्मिणी की नगर दाली कर, अशि रुक्मिणी की नगर दाली कर, श्री कृष्णा 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 की नगर दाली कर।